चलो यहाँ पे आ जाइए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ मेरे अपकमिंग आप लोगों को कोटी कोटी सुना है? हाँ तो क्या आपका भी सॉन्ग आ रहा है? आ जाओ नीचे, जो बस यहाँ से आ जाओ नीचे, बस इधर। हाँ बस क्या देगी, हाँ जा रहा है, इसलिए मैं कह रही थी आप लोगों से। हां बस ऐसा घूम जाओ आराम से, कर रहे हो भाई उसका सॉन्ग आ रहा है क्या आपका? हां अरे क्या कर रहा है यार भाई, किसके साथ आ रहा है? वो अभी रिवील करना बाकी है मोस्टली, तो धीरे-धीरे रिवील करेंगे, बट काफी एक्साइटेड है। भाई पीछे हट जा, एंड आई एम सिंगिंग इट, आई विल बी सिंगिंग इट। सो अच्छा आप ही गाओगे गाना? बहुत नाइस, तो थोड़ा गुनगुना दीजिए। नहीं नहीं थोड़ा सा, थोड़ा एक झलक तो हो जाए, अभी रिवील करेंगे तो क्या मजा आएगा मैम, एक झलक। नहीं नहीं अच्छा, बिग बॉस के घर से और भी लोगों का गाना आ रहा है, अभिषेक और जिया का भी गाना मैंने देखा, मैंने देखा। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग होगा और लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि उनकी जोड़ी तो ऑलरेडी बिग बॉस के घर में भी हिट हो गई, तो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग होगा। कैसा रहेगा सॉन्ग, रोमांटिक आपको क्या? रोमांटिक ही रहेगा, वो लोग साथ में कितने प्यारे दिखते हैं, ऑफ कोर्स एक रोमांटिक सॉन्ग ही होगा। मैम जैसे कि राखी सावंत का और आदिल का मसला चल रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, तो मैम जैसे कि उसके ऊपर 200 करोड़ का डिफामेशन का केस लगा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस बात की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में मैं क्या कहूँ मैम। अच्छा एल्विश का भी गाना आ सकता है, तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें? मनीषा के साथ तो क्या कैसी लगेगी जोड़ी उनकी आपको? प्यारी लगेगी, क्योंकि उन्होंने फिनाले में भी साथ में परफॉर्म किया था, एंड दे आर वेरी फनी टुगेदर, तो आई एम एक्साइटेड टू सी। सब अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करते जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देखकर। जिया के साथ बातचीत करने का आपका लाइक कहाँ तक सॉलिड हुआ है कि? जिया से मेरी बातचीत नहीं हो रही है, बट सब बिजी हो गए यार, सब लोग अपने अपने काम पे बिजी हो गए, और सबको क्या कुछ करने को अभी आ चुका है। मैं तो दुबई जाने के लिए बस टिकट बुक करने की वेट कर रही हूँ, बट कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई वेंचर, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कब जाऊँ अपने काम शुरू करने के लिए, तो यहाँ कुछ ना कुछ नई मीटिंग या कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आता जा रहा है। अगर ऐसे मुलाकात हुई तो बात करना पसंद करोगे? कॉर्डियली ऑफ कोर्स, फॉर्मली सब लोग आपस में अच्छे से ही बिहेव करेंगे, सब इंसान है यार, हम लोग कोई एक्सट्रीम खुन्नस लेके कोई किसी के लिए नहीं बैठा है, एवरीबॉडी वांट्स द बेस्ट फॉर एवरीवन, आई वांट द बेस्ट फॉर एवरीवन। अच्छा मनीषा का भी गाना आ रहा है टोनी कक्कर के साथ, हाँ हाँ मैंने सुना, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? साथ में वो लोग बहुत प्यारे लग रहे थे जब वो कॉन्सर्ट हुआ था बिग बॉस के घर में, तो मैंने मनीषा को कहा भी था कि बहुत जचते हो तुम लोग साथ में टोनी और मनीषा, तो मुझे वो भी देखना है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। उनका एक ट्रेंडिंग भी चला था हैशटैग टोनीषा, मैंने देखा प्यारे लगते हैं यार साथ में, आप देखिए ना साथ खड़े रहते तो कितने प्यारे लगते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है, तो एक्साइटेड हूँ। ओके थैंक यू, थैंक यू। चलो अभी बंद करें, बंद कर दो यार, प्रॉपर इंटरव्यू ले लेते हो हां स्पॉटिंग के नाम पे, अरे टेक्निकल। चलो अभी जाओ, मुझे जाने दो। ओ भाई घर पे लेके जाओ, भाई घर पे लेके जाओ, हालत देख रहे हो क्या करे गाड़ी की, समझ में आ रहा है कि नहीं? दादा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोग बोलो मत, गाड़ी डैमेज होगा, प्ले करो। चलो बाय गाइस, बाय बोल के चलो, चलो बैठो 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 गाड़ी नहीं है, आप सब संभालो, चलो संभालो आप लोग। हाँ हाँ आ जाइए, सेफ रहिए थोड़ा, हाँ उधर आ जाइए।
मुझे कहीं जाना नहीं है। आप लोग सेफली खड़े रहिए। और मैं अपना सबसे डॉक्टर देखना चाह रही थी उसका एनुअल वैक्सीनेशन और चेकअप के लिए। लेना ऐसे ही। मैम।